So, hello guys, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? और गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क ड्रैगन हंटर सीजन 2 का। पिछले एपिसोड में एक फटके में गाइस, क्या एक फटके में उस बॉस ने अपने चारचा की जी से डी निकाल दिया था, मतलब इसकी बैंड बजा दी थी। न्यूब चारचा, क्या बोले भाई, बहुत गंदी तरीके से मारा था। और पिछले एपिसोड में हम लोग ने गॉडजिला वर्सेस चारचा की जो बॉस फाइट है वो भी गाइस यहाँ पे कराई थी। और अभी आज का ये वाला जो एपिसोड है ना, इस वाले एपिसोड में हम लोग और भी ज्यादा सुपर से भी ऊपर वाला काम करने वाले। काम कौन सा रहेगा वो बताता हूँ, रुको जरा सफर करो। लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइस आपको और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का, सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स का जो ऑप्शन है वो अनलॉक है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और गाइस, अगर आप लोग कोई यहाँ पे आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, तो नीचे निट्राडो का लिंक है। निट्राडो पे आप लोग गाइस किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो, तो जरूर चेकआउट कर लेना गाइस निट्राडो सर्वर को, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। अभी गाइस यहाँ पे आप सभी लोगों को पता होगा कि चारचा वर्सेज गॉडजिला बॉस फाइट यहाँ पे हो चुकी है। हम लोग ने चारचा वर्सेज गॉडजिला की जो फाइट है ना गाइस, वो यहाँ पे करा दी है। और गाइस अभी यहाँ पे पहले टर्टल को स्वर्गवास हो गया टर्टल का, डन भाई। चलो सो गाइस, अभी यहाँ पे आज के इस वाले एपिसोड में मैं जाने वाला हूँ एक खतरनाक सी ब्रूड मदर बॉस को टेम करने के लिए। आपको बताई होगा गाइज कि एक खतरनाक सी ब्रूड मदर बॉस जो है ना गाइज, वो मुझे कल वाले एपिसोड्स में यहाँ पे दिखी थी, और उसी को आज के इस एपिसोड में, मतलब वो लो लेवल की थी 30-40 लेवल की, आज मैं उसका हाई लेवल वाला वर्जन टेम करने वाला। और वो ब्रूड मदर है एंशियंट मिथिकल डायनो। सो इसलिए गाइज आज आने वाला है एकदम खतरनाक वाला मजा। तो चले बिना किसी देरी के आज का ये वाला एपिसोड शुरू कर डाल दे। और इधर थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज हो चुका है, लेकिन कोई ना, हम लोग यहाँ पे वो ब्रूड मदर ढूंढ लेते हैं भाई। ठीक है, मिथिकल स्पाइडर इम्परर थी क्या गाइज वो? ये कहाँ पे है? मिथिकल स्पाइडर इम्परर, क्योंकि यहाँ पे इस वाले आइलैंड पे छोटे वाले मैंने उसको देखा था। ठीक है, 7141 पे उसका हाई लेवल 900 लेवल का वर्जन जो है ना गाइस वो पड़ा हुआ है, और वो जो है ना गाइस डेजर्ट वाइब में। सो फटाफट से डेजर्ट वाइब में चलते। अरे डंगोंग बॉल तो बना ले अंकल, मुझे डंगोंग बॉल चाहिए होगी, थोड़ी सी रुको, माई को चाहिए डंगोंग बॉल्स। रुको गाइस, मैं फटाफट से डंगोंग बॉल थोड़ी सी बना लेता हूँ, और इसको लेके जो है ना गाइस सीधा अपन लोग निकल लेंगे यहाँ पे डेजर्ट वाले वाइब में। ठीक है, चलो भाई लोग, अपन लोगों को उस बड़ी सी स्पाइडर को किसी भी कीमत में गाइस यहाँ पे टेम करना है, मतलब करना है। अब यार वाइवरन नहीं निकालने, मुझे ग्रिफिन निकालने थे भाई। भाई ग्रिफिन लेके जाएगा, मैं ही निकला ग्रिफिन लेके भाई। ठीक है, रुको भाई, कहाँ पे भाई ग्रिफिन अपना? ये रहा ग्रिफिन। चलो फटाफट से गाइस ग्रिफिन को लेके चलते हैं, और उस स्पाइडर को टेम करके जो है ना गाइस फटाफट से लेके आते हैं। वैसे वो स्पाइडर जो है ना गाइस वो डेजर्ट वाले बैब में गई है। और भाई ये हीट वेव आई है गाइस, ये ऑरेंज ऑरेंज जब भी वेदर होता है तो समझ लेने का हीट वेव आई है गाइस। ठीक है, 7141 सीधा सीधा आगे बढ़ते जाना है इसी डायरेक्शन में, और मुझे गाइस वो भाई स्पाइडर जो है वो मिल जाएगी। 71 पे पहुंच भाई पहले। हाँ बस अभी 41 पे चल भाई, अभी 41 पे चल। 72 पे पहुंच गया, 71 इधर है भाई, 41। अरे स्पाइडर का तो एसपी दिखाई नहीं दे रहा मेरे को का। अरे वाह भाई वाह भाई, ये तो नीचे चुपके बैठी है भाई। मैं तभी बोलूं भाई ये नीचे क्या है भाई, नीचे चुपके बैठी है छोटू सी स्पाइडर। आ जाओ, वैसे उतनी भी छोटू है नहीं जितनी दिख रही है। रुको, अब इसके जलवे ना आपको मैं दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, इतनी बड़ी स्पाइडर एक्चुअल में आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। हाँ, वो स्पाइडर इम्परर बॉस जो है ना वो अलग है, वो इससे भी ज्यादा बड़ा है भाई। ठीक है, और ये पैसिव डेम है, इसका मतलब ये मेरे को उंगली नहीं करेंगे, मतलब मारेगी नहीं अगर मैं इसके नजदीक जाता हूँ तो। आप फीड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा भाई, लो भाई फीड का ऑप्शन ही नहीं है। What the? हैं? ग्रैपल निकाल, रुको भाई फीड का ऑप्शन ही नहीं है इसको, और मुझे ग्रैपलिंग हुक यूज करना पड़ेगा। ये रहा ग्रैपलिंग हुक, रुको भाई उसके नजदीक पहुंचना पड़ेगा एकदम। ठीक है, आरो मार के
और उसके बाद गाइस उसको फीड कराना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो है ना गाइस मेरे हिसाब से पेट काफी ऊपर है, और मुझे उसके पेट के ऊपर जाके जो है ना गाइस वो कर लेना है, ठीक है। मतलब फीड जो है ना गाइस वो ऑप्शन आ जाएगा मेरे को पेट के ऊपर उसके। देखो मैंने पेट पे मारा इसके ग्रैपल, उड़ उड़ के जा रहा हूँ इसके पेट के नजदीक। अरे यार स्टिल फीड का ऑप्शन आ रहा आ रहा आ रहा है, हो गई हो गई हो गई हो गई। अरे डन 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 ना मेरे भाई, रुको रुको यहाँ पे गर्मी हो रही है, मैं बोला था ना गाइस हीट वेव आई है, गर्मी हो रही है गाइस। देखो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ अपने भाई घर की तरफ, रुको पहले अबे राइड कैसे कर लो अभी। अरे भाई हाँ यहाँ से राइड भाई, ठीक है चलो आ जाओ भाई। साइलेंट मोड, इसमें साइलेंट मोड इंस्टॉल करा गया है क्या, क्योंकि इसके भाई चलने का उतना ज़्यादा लाउड आवाज़ नहीं आ रहा। मैंने गेम का हाउस कम रखा है क्या? नहीं गेम का हाउस तो ठीक ही है, बट स्पाइडर के चलने का ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रहा है। वैसे मैं भाई बताऊँ इसका भाई 100-200 मिलियन डैमेज होगा विदाउट लेवल अप, देखना है भाई 100-200 बोला था, ये तो 700 मिलियन 700 मिलियन विदाउट लेवल अप डैमेज दे रहे हो, और ऊपर से कहीं जंप भी कर रही है भाई, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची छलांगे मारने का काम भी हमारी स्पाइडर इंप्रेयर जो है गाइस वो कर रही है। ठीक है भाई चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का, ठीक है। चलो इस स्पाइडर को मैं चुपचाप ना घर पे लेके जाता हूँ, क्योंकि डेजर्ट पैम में ना भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, भाई बहुत ही गर्मी हो रही है भाई। पत्थर वित्थर पेड़ बीड़ जिस भी चीज़ को छू रही है वो चीज़ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रही है भाई, ये देखना भाई जिस भी चीज़ को ये छू रही है वो चीज़ एकदम फुल टू डिस्ट्रॉय हुए जा रही है गाइस, देखना देखो भाई खतरनाक यार, खतरनाक भाई। ये स्पाइडर तो काफ़ी ओपी है। अभी गाइस हम लोग थोड़े से सेफ एरिया में आ चुके हैं, यहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी नहीं, सो जरा सा चेकआउट कर लेते हैं इस ब्रूड मदर को। वो इसका नाम ब्रूड मदर नहीं, इसका नाम स्पाइडर है भाई, ठीक है। ये छोटू सी स्पाइडर है, ये ब्रूड मदर नहीं है भाई, ठीक है। ये खुद को स्पाइडर बोल रही है, और मैं कहाँ पे बैठा हूँ देखना जरा गाइस, मैं ना उसके पेट के ऊपर एक छोटा सा उभरा हुआ स्पाइक है उसके ऊपर बैठा हुआ हाथ पकड़ के छोटे बच्चों की तरह भाई, ठीक है भाई। चलो मैं आपको अभी इसका लुक जो है ना गाइस वो दिखा देता हूँ कि कितनी ज़्यादा खतरनाक है दिखने में भाई, दिखने में तो एक नंबर है यार भाई। इसके लुक के लिए एक लाइक बनता है फटाफट से सटासट से गाइस, दिखने में तो एक नंबर है। रुको ये अनफॉलो नहीं होगी, इसको क्रायो करना पड़ेगा। मेरा अनफॉलो वाला बटन ना भाई अपना जो पावर कट हुआ था ना उसके बाद थोड़ा ग्लिच हो चुका है, ठीक है। ये देखना भाई, ये देखना अपनी मिथिकल स्पाइडर एम्परर, दिखने में तो एक नंबर है भाई। इसके पूरे बॉडी पे इतना हैवी आर्मर लगा है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा हैवी आर्मर लगा है पूरे बॉडी के ऊपर भाई। देखो भाई इसके भाई यहाँ पे ये देखो पंजों का यही ओरिजिनल पार्ट दिख रहा है, बाकी पूरा पार्ट इसके आर्मर में ढका हुआ है, पूरा का पूरा पार्ट भाई, पूरा पार्ट। इसने भाई अपने मुँह पे यहाँ पे भी जो ना आर्मर लगा रखा है, प्लस इसके पीठ के ऊपर भी आर्मर लगा हुआ है भाई। देखो भाई हर जगह पे बस आर्मर ही आर्मर लगा है। सो स्पाइडर जो है ना गाइस आर्मर से यहाँ पे फुल टू लोडेड है। अभी बात करते हैं इसके अटैक की, तो इसके पास एक बाइट अटैक है और नाइस वन, ये तो भाई सेबरटूथ वाला अटैक है। सेबरटूथ भी ऐसे भाई कलर का स्मोक छोड़ता है जब अटैक करता है, ठीक है। एक अपने एक पंजे से मारने वाला अटैक है, सीप है। अरे बाबा रे बाबा, मुझे लगा रॉकेट लॉन्चर छोड़ेगी, बट इसने अपने सर के बीच में से जो ना गाइस छोड़ दी लेजर, ठीक है। लेजर छोड़ने वाला अटैक भाई, ठीक है। ये एक और अटैक गाइस हम लोग को मिल गया, और बताओ क्या है, और कौन सा अटैक है? बस भाई बाइट अटैक और लेजर अटैक भाई। हेलो, ये ब्रूड मदर को थोड़े कम अटैक दे दिए क्या भाई? लेजर अटैक भी 700 मिलियन का ही डैमेज देगा जितना मेरे को बताया भाई। ओके थोड़ा सा कम दिया, क्योंकि वो मिथिकल वाला ही सेबर दूध था इसलिए। रुको गाइस मैं इसकी थोड़ी सी हेल्थ बढ़ा देता हूँ, उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे निकल लेंगे देखने के लिए इसका डैमेज। देखना गाइस जलवा, देखो इसके डैमेज में एक दो पॉइंट डाल दिए मैंने। अभी डैमेज देखना चाहोगे, दो पॉइंट डैमेज में डाले, खाली दो पॉइंट आपके सामने डैमेज देखना। बाप रे, मुझे लगा था बिलियन में जाएगा, बट दो पॉइंट डैमेज में डालने के बाद इसका डैमेज माइनस में जा रहा है। लिटरली देख रहे हो गाइस, माइनस में डैमेज दे रहा है। अगर आप भाई मोबाइल पे देख रहे हो तो आपको माइनस वाला डैमेज दिखेगा नहीं, क्योंकि जब भी माइनस में डैमेज जाता है ना तो डैमेज एकदम छोटा हो जाता है, इसलिए आपको मोबाइल पे दिख नहीं रहा होगा। अगर आपको भाई किसी डायनो को मारने के बाद डैमेज ना दिखे तो समझ लेना माइनस में डैमेज जा रहा है। ये देखो इसके ऊपर बिलियन में भी पड़ा और माइनस में भी पड़ा, ठीक है, क्योंकि दो टर्टल एक साथ थे इसलिए। वाह भाई वाह, मेरे को लगा था गाइस कि बिलियन में जाएगा, बट दो लेवल पॉइंट डालने से माइनस में डैमेज जा रहा है, मतलब 3-4 बिलियन। और ऐसे आप देख ही सकते हो कि इसके में कितने ज़्यादा पॉइंट अभी डैमेज में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि इसका डैमेज टोटल यहाँ पे कितना जाने वाला है, ठीक है।
है कि नहीं खतरनाक है हमारे ब्रूड मदर। प्लस जिस भी चीज को छुएगी वो चीज यहाँ पे ऐसा डिस्ट्रॉय हो जाएगा डायरेक्टली। देखो सीधा डिस्ट्रॉय भाई, जिस भी चीज को छुओगे ना भाई वो चीज सीधा डिस्ट्रॉय, खत्म, खलास, टाटा, बाय बाय, गुड बाय गाइस। ठीक है भाई, सीधा खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी यार वो चीज जिस भी चीज को छुओगे। ये देखना किस तरीके से भाई यहाँ पे डिस्ट्रॉय करे जा रही है भाई, यहाँ पे देखो सारी चीजें किस तरीके से डिस्ट्रॉय करी जा रही है भाई। इसकी ना मेरे को पहले मैक्स लेवल करने दो, ठीक है मेरे को पहले मैक्स लेवल करने दो। रुको भाई, ऊपर से मैं जंप भी मार सकता हूँ, वो भी एकदम भाई ऊंची, भाई पहाड़ी के इतनी ऊंची जंप मारी है मेरे को लग रहा है। क्या मैं जंप मार के पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ? ये मत बोलना यस, ये मत बोलना यस भाई। हेलो गाइस, भाई चल भाई तुम्हारे भाई के स्पाइडर का भाई जंप मार के इतने ज्यादा ऊंचे पहाड़ पे चढ़ के बताओ भाई, काफी खतरनाक जंप है इसकी तो भाई। रुको मेरे को इसको मैक्स लेवल करने दो। मुझे स्पाइडर काफी कूल लगे रहे, इसका लुक जो ना कहते सच में काफी कूल है, सच में गाइस इसका लुक काफी ज्यादा कूल है, मेरे को काफी कूल लगी। मैं तो सबसे पहले अभी इसको ना मैक्स लेवल करना चाहता हूँ, उसके बाद जो भी बाकी का काम है ना वो करेंगे हम लोग। ठीक है पहले तो इसको मैक्स लेवल करना है। हो गई क्या? नहीं यार मैक्स लेवल अभी तक हुई नहीं है। रुको भाई, जंप पे मार मार के दूर दूर जाऊंगा जहाँ पे बड़े बड़े डायनोस हैं, और उनको मार मार के मैं अपनी खुद की मैक्स लेवल कर दूंगा। रुको ये ले बेटा पट्ट से हेड शॉट, ये ले बेटा पट्ट से हेड शॉट, खत्म खत्म। मेरे हिसाब से अभी तो मैक्स लेवल हुई होगी। अरे नहीं यार एक और लेवल अप आनी है, उसके बाद मैक्स लेवल हो जाएगी। रुको ये 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 हो गई हो गई हो गई, डन डन डन, हो गई हो गई होगी। रुको रुको बस अभी लेवल अप में पॉइंट डालना है, उसके बाद हमारी ब्रूड मदर मैक्स लेवल की हो जाएगी, जो कि दिखने में एक नंबर है। और इसका डैमेज दो भाई उससे भी ज़्यादा खतरनाक है भाई। ठीक है, और इसको इम्प्रिंट हम लोग कर नहीं सकते, इम्प्रिंट करता ना कैसे, अरे मेटल का खत्म है मेरा पूरा, इम्प्रिंटिंग पोशन ही नहीं बचा है। चलो कोई ना, वैसे भी एंशियंट मिथिकल डायनोस को हम लोग इम्प्रिंट नहीं कर सकते। इनके हेल्थ की बात करें तो 75.1 बिलियन हेल्थ है गाइस यहाँ पे इस खतरनाक से ब्रूड मदर की। मजाक हो रहा है क्या भाई, हेल्थ तो काफ़ी तगड़ी वाली है। अभी डैमेज देखते, बाइट वाला माइनस ही जाएगा, लेफ्ट क्लिक वाला माइनस, लेजर वाला माइनस माइनस भाई माइनस, मर जा भाई, ये लो मर गया माइनस गाइस। ए टू जेड डैमेज अटैक्स इसके माइनस में जा रहे हैं, देख भाई डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड ब्रो। भाई जिस भी चीज को ये छू रही है ना वो चीज डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हुए जा रहे हैं भाई यहाँ पे। भाई ये ब्रूड मदर काफी खतरनाक है, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आ गई। और अभी अपने बेस पे ना इन डायनोस को रखने के लिए जगह ही नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ पे रखूँ, मुझे लग रहा है कि इन लोग को ना बेसा पीछे नंबर टू लाइन बना के रखना पड़ेगा इसे। ठीक है, ये दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी इन लोग के लिए खास यहाँ पे पीछे साइड में, क्योंकि अपने बेस पे भसोड़ काफी मची हुई है। बाकी गाइस आप बताओ आपको हमारी ये एंशियंट मिथिकल ब्रूड मदर बॉस कैसा लगी, कैसा लगी नीचे कमेंट मार के बताओ। मैं तो इससे भाई किसी को मारने के लिए जाने की सोच रहा हूँ, बट गाइस मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी मुझे कोई बॉस यहाँ पे भाई मिलने वाला है। अगर मिलता ना तो उसकी गाइस मैं बैंड बजाने की सोच तो रहा था। रुको देखता हूँ, मैं वो जो ड्रैगन बॉस था ना उसके अगेंस्ट इस ब्रूड मदर को बिठाते हैं और देखते हैं हमारी ब्रूड मदर कितनी ज़्यादा ओपी है। भाई जो भी मेरे को छू रहा है वो डायरेक्टली मारा जा रहा है, क्योंकि एंशियंट मिथिकल डायनो का गाइस यही भाई पावर है कि अगर आप उन लोग को छूओगे तो आप लोग की डायरेक्टली बन जाएगी पेटी, आप लोग की मतलब जो डायनो छूएगा अपन को उसकी पेटी बन जाएगी। मैंने यहाँ पे कहीं पे तो बॉस म्यूजिक सुना है, मैंने यहाँ पे उसको देखा था ना ड्रैगन को। भाई ये तो अलग ही बॉस है भाई, ये कौन सा बॉस है यहाँ पे? अरे काला डीमन भी है क्या? हेलो, लेजर डालूंगा घर जाएंगा, एक लेजर में घर जाएंगा भाई। ये कौन से बॉस है पता नहीं भाई मेरे को। ले भाई काले डीमन की भी बैंड बजा दी मैंने। भाई ब्रूड मदर क्या मार रहे इनको जो ना कहते अपन ने भाई इंस्टेंट मिथिकल डायनो से मारा है, इसलिए मैं यहाँ पे जो चीज़ें मिले वो फेंकना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि ये चीटिंग हो जाएगी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड जो ना गाइस डायनो से उनको मार रहे हैं। एक लेजर अटैक में मैंने मार दिया भाई, एक लेजर अटैक में ब्लैक डीमन और दूसरे बॉसेस को। भाई ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, और अभी तक तो हम लोग ने गाइस यहाँ पे जो हमारे एंशियंट मिथिकल वाले बॉसेस है पावरफुल से उनसे पंगा ही नहीं लिया। उसकी डेड बॉडी देखना कैसे हवा में उड़ रही है भाई, देखना देखना वहाँ पे हवा में उड़ रही है उसकी डेड बॉडी। सही है, चलो बताइए गाइस बाकी आपको हमारी जो ब्रूड मदर है माइनस में
स्टार्टिंग से 2 पॉइंट डाले थे, सीधा माइनस में डैमेज। सो ये माइनस में डैमेज देने वाली जो ब्रूड मदर मैडम जी हमारी, वो आप लोगों को कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी ब्रूड मदर मैडम जी पसंद आई होगी सो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलो फिर गाइज इसको ना अभी के लिए यहाँ पे ऐसा एडजस्ट करके रख देता हूँ, बाकी बाद में इसके लिए अच्छी सी जगह में ढूंढ लूंगा जहाँ पे मैं इसको रख सकूँ गाइज, ठीक है। सो आज का ये वाला एपिसोड हमारे इसी खतरनाक एंड पावरफुल से ब्रूड मदर के टेमिंग के साथ यही पे हो जाता है खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग करने वाले गाइज और भी पावरफुल और डेंजरस वाले डायनो को टेम। कौन सा डायनो होगा वो भी बताऊंगा मैं आपको, बस अगले एपिसोड तक का इंतजार करो गाइस यहाँ पे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के ड्रैगन हंटर सीजन 2 के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस।